ब्लॉगर जो मतलब ये पाकिस्तानी चीज़ों का रिव्यू कर रहे हैं ना, और पाकिस्तानी ब्रांड्स खोल के बैठे हुए हैं ना, तो आपने उसको खुद यूज़ करना है और खुद मतलब उसका रिजल्ट लेना है, क्योंकि हर कोई बंदा इस टाइम ना पैसे लेके रिव्यू कर रहा है। तो ये चीज़ आपने खुद देखनी है, आपको क्या सूट कर रहा है और आपकी स्किन को क्या सूट कर रहा है, तो मतलब किसी की बात पे नहीं आपने जाना। यहाँ मेरा खाना बन रहा था और जी गैस चली गई है, अब आधा खाना बना है और आधा अब शाम को बनेगा। मतलब कि अब बंदा खाना भी नहीं बना सकता, खा तो नहीं सकता अब दोपहर का खाना, अब रात को ही खाएंगे एक दफ़ा ही जब गैस आएगी। पता नहीं कल की सर्दी बहुत ज़्यादा हुई या फोग बहुत ज़्यादा थी, तो अब गैस भी बहुत ज़्यादा भेज रही है। इस टाइम भी इतनी फोग फोग सी हो रही है ना, फोगी फोगी सा हो रहा है। सुबह को इतनी फोग थी कि नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। ये देखें ज़रा फोग। सुबह की वीडियो में आपको थोड़ी सी दिखाती हूँ फोग की। ये मेरा पराठा बन चुका है, ये देखें जल क्यों रहा है। ये भी पराठा हमने डाल दिया है। चलो अब इसको बनाते हैं। ये देखिए मेरा एक ये पराठा है, एक ये है। देखिए मिठाई आई है ना, मैं आपको दिखाती हूँ सुलेमान स्वीट्स गुजरावाला की स्पेशल मिठाई है हमारे गुजरावाला की। और ये देखें फेवरेट फेवरेट यमी यमी। ये देखें वैसे आधा डिब्बा हम खा चुके हैं, रात को आई थी और आधा डिब्बा हम खा चुके हैं। और अब ये देखें, ये देखें ये आपके लिए है, खा ले अभी नहीं खा ली। और चलिए इसको अभी रख देते हैं। खाना भी बन गया था और अब चाय की बारी आ गई है, चाय भी बना ली है। अब बेशक गैस फिर चली जाए, खैर है। और ये मेरी नमाज़ पढ़ने की जगह है और ये मैंने कॉर्नर सेट किया होता है नमाज़ का। और ये देखें जय नमाज़ ये वाली मैंने बिछाई होती है, और सर्दियों में बड़ा आराम से यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। इस सन ब्लॉक के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो ये अच्छा है, इसमें ना वाइट कास्ट है, तो कई लोगों को तो आदत होती है कि मतलब बीबी क्रीम लगाने की, मतलब घर की बात कर रही हूँ, घर के अंदर बीबी क्रीम सीसी क्रीम वगैरह लगाने की आदत होती है। तो मतलब सन ब्लॉक में वाइट कास्ट हो तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको फिर सन ब्लॉक का सन ब्लॉक हो जाता है, और फिर आपको कोई बेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और प्राइस भी इसकी देखें 465 है, और बहुत अच्छा है ये। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ यूज़ करते हैं, और उसमें तो बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट होता है कि वो मुंह पे लगा के ऐसे लगता है जैसे ना आपने कोई पेंट लगा लिया है। तो इसमें भी है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत कम है। मतलब देखिए आपको थोड़ी सी ना फ्रेश स्किन लगेगी, वैसे मेरी वेंस को इग्नोर करें और थोड़ी फ्रेश स्किन लगेगी। बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट नहीं होता इसमें कि एकदम से ना मतलब वो आपके मुँह पर बहुत ज़्यादा पेंट सा नज़र आए। तो अच्छा है, फ्रेग्रेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो मुझे ये अच्छा लगा था। मतलब घर में यूज़ करने के लिए तो अच्छा है, और लोगों को जैसे धूप में बैठने की आदत होती है तो सन ब्लॉक तो बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को वाइट कास्ट नहीं पसंद वो ये वाला ले सकते हैं ऑर्गेनिक ट्रेवलर का, और ये सारे पाकिस्तानी हैं। तो ये वाला जो है इसमें टिंट है और इसमें वाइट कास्ट नहीं है, ये भी अच्छा है। मतलब मुझे भी अच्छा लगा, मैंने यूज़ किया तो मुझे अच्छा लगा है। तो इसमें बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं है। तो जैसे ये सोलैरिस का है, इसमें भी वाइट कास्ट नहीं है और ये भी टिंटेड है, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर एवर फॉर एवरी बॉडी, मतलब हर किसी के लिए ये है। ड्राई स्किन
और ऑयली स्किन वाले सब ये यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें जैसे मैंने आपको बताया है, ये वाइट कास्ट है इसमें और ये दोनों टिंटेड हैं, तो जिनको जो पसंद है वो ले सकते हैं, क्योंकि सनब्लॉक तो गर्मियां हो या सर्दियां हो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो जो भी आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।